नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती पहाड़ पर एक बार नहीं सौ बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर एक बार नहीं सौ बार फिसलती है, मगर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं अपने YouTube चैनल राम रिसर्च क्लासेस पर आप सबों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है और आज हम लोग एक मैथ का पजल लेकर के आए हैं। पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पजल को सुनिए, साथ ही साथ इस पजल का आंसर देने का कोशिश कीजिए। होता है कि एक बार एक ग्राहक है, वो किसी दुकानदार के पास जाता है और वो दुकानदार के पास जब जाता है तो वो कोई सामान खरीद लेके नहीं गया, वो 100 रुपया लेकर के जाता है उस दुकानदार के पास। 100 रुपया लेकर के गया और वो जो ग्राहक है बोला कि हमको इसको ना 100 रुपये का छोटा दे दीजिए, हमको 100 रुपये का चेंज चाहिए। लेकिन उसमें ये एक कंडीशन लगा देता है कि हमें 100 रुपये का चेंज चाहिए, लेकिन 100 रुपये में हमको 10 रुपये का नोट नहीं चाहिए, नहीं तो हमको क्वाइन चाहिए, नहीं तो हमको नोट चाहिए। अर्थात इसको 10 रुपया नहीं चाहिए, न तो ये सिक्का लेगा और न ये नोट लेगा। और ये बोला कि हमको 10 रुपये का नोट नहीं चाहिए और हमें गिनती में भी नोट 10 ही होनी चाहिए और इसके बाद हमारा पैसा 100 पूर जाना चाहिए। अर्थात वो कहना चाहता है कि वो 100 रुपया है उसका, वो उसका छोटा लेगा, तो उसे जब पैसा को वो काउंट करेगा, राशि को काउंट करेगा, 100 हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो नंबर को काउंट करेगा, जो उसका नंबर होगा, नोट का नंबर होगा, वो 10 ही होना चाहिए, 10 से न तो ज्यादा होना चाहिए और 10 से नहीं तो कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको 100 रुपये हमको छोटा देना है और उसको 10 ही नोट चाहिए और 10 नोट में वो 10 का नहीं तो कॉइन लेगा और 10 का नहीं तो नोट लेगा। वो ग्राहक उसको जो है छूटा नहीं दे पाता है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब वो व्यक्ति 100 रुपया लेकर के गया है और वो 100 रुपये का छूटा चाह रहा है, साथ ही साथ 10 ही नोट उसको चाहिए और 10 का नोट उसको चाहिए नहीं। अगर उसको 10 का नोट चाहिए तो सीधा लगा देते 10 नोट अगर हम लोग दे देते 10 का, तो 10 × 10 100 रुपया हो जाता। लेकिन वो ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि 10 का नोट हमें चाहिए ही नहीं, तो हम लोग उसका जो चेंज है वो कैसे पुराएंगे, तो उसको हम लोग देंगे एक 50 रुपये का नोट। अगर हम लोग उसको 50 रुपये का एक नोट दे देते हैं, 20 रुपये का एक नोट दे देते हैं, 5 रुपये का नोट दे देते हैं, पांच नोट 5 रुपये का दे देते हैं, इसके बाद उसको 2 रुपये का हम लोग 2 नोट दे देते हैं और साथ ही साथ 1 रुपये का एक नोट दे देते हैं और जोड़ करते हैं इसका कि कितना आता है, 20, 50 और 20 को हम लोग ऐड करते हैं 70 रुपये, 75, 80, 85, 90, 95, इसके बाद 97 और इसके बाद 2 रुपये का 2 नोट देना होगा तो 99 और एक, ये 1 रुपये का एक नोट। अगर इसको हम लोग काउंट करते हैं तो हमारा 100 रुपये बन जाता है। अब नोट की काउंटिंग करते हैं कि 10 होता है या नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि हम लोग उसको 50 रुपये का एक नोट देंगे, 50 रुपये का एक नोट देना है, इसके बाद 20 रुपये का एक नोट देना है, इसके बाद 5 रुपये का हम लोग उसको 5 नोट देंगे, 2 रुपये का 2 नोट देंगे और 1 रुपये का एक नोट देंगे। इस हिसाब से उसका 100 रुपये पूरा हो जाता है। तो यही इस पजल का आंसर था। आप लोगों को हमारा ये पजल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस वीडियो को पहुंचाते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।